हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शताब्दी। आज का जो टॉपिक है अभी वो है व्हाट इज मीन। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इसका प्रयोग है। तो उसके पहले मैं वही मेरी एक ही बात है कि एक चीज सीखे उसके पहले मैं आपको आइडेंटिफाई कराना सिखा देती हूँ। आइडेंटिफाई कीजिए, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पहले, नहीं तो भूल जाएंगे। और अच्छा लगे तो बाद में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट्स भेजिएगा मुझे, इट विल मोटिवेट मी। एंड चलिए कुछ नया सीख लेते हैं आज। पहले मैं आपको गा के सुना देती हूँ एक बार। ये जो मैंने किया है, एक नोट से दूसरे नोट पे हम स्ट्रेट नहीं जाते हैं। कनेक्टिविटी बनाएंगे हम नोट्स के बीच बीच में, दो नोट्स के बीच में एक्चुअली। एक स्लाइड कर करके हम एक नोट से दूसरे नोट पे जाएंगे। ये जो स्लाइड कर करके जाते हैं दैट इज कॉल्ड मीन्ड। हम इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे, जैसे सा से लेके गा पे जाते हैं, सा गा रे मा गा पा मा था, ऐसे करके करेंगे। बट मीन पे कैसे करेंगे, सा गा रे मा गा पा अब सारी गामा करके भी हम इसको कर सकते हैं, जैसे सा रे गा, इंस्टेड ऑफ डूइंग सा रे गामा सा रे गामा, बट हम क्या करें, सा रे करके स्लाइड कर करके हम एक नोट से दूसरे नोट पे जाएंगे। अब सिर्फ छोटे छोटे गैप में नहीं, इस गैप को आप बढ़ा दीजिए, जैसे सा रे धा गा नी, इस तरीके से घर पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, खुद बनाइए, खुद आप आपका टीचर बन जाइए। सीख के कुछ हद तक हम सीखेंगे, फिर आप अपने आप में अप्लाई करते जाइए, खुद अपना थॉट्स अप्लाई कीजिए, छोटे छोटे पीसेस में बना लीजिए, बड़े गैप में बना लीजिए, बना के इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और मीन का प्रयोग बहुत ज्यादा होते हैं गाने पे, बहुत ज्यादा, नॉट नेसेसरली राग संगीत पे,
आप कोई और भी गाना गाएंगे ना, उसमें मेड का प्रयोग बहुत होते हैं, ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा मुझे इस जगह पे मेड का प्रयोग करना है, ऑटोमेटिक ही आ जाएगी वो। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नमस्कार।